आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन आया है ना बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 22 है और 21 नीचे है, तो 21 से मिस 25 तक हम जीतेंगे। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बहुत ही ईजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका, इन ए क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन है, मतलब टोटल चिल्ड्रन है बच्चों, यहां पर लिख लेता हूं एक बार में, टोटल चिल्ड्रन इक्वल टू 60। अब आगे देखो, 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, 20% ऑन हिंदी, ठीक है ना, एंड द रेस्ट कैन होगा ये, द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, बाकी जो बच्चे हैं, ठीक है भाई, 30% इंग्लिश बोलते हैं, 20% हिंदी बोलते हैं, बाकी जो बच्चे मिस, अगर हम 100% माने तो 50% बच्चे, तो 50% बोथ लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आपको बताना हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने बच्चे बोलते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो टोटल नंबर आ गया, ठीक है, टोटल परसेंट ये क्या मानेंगे, टोटल परसेंट इसे होता है, ये 100% हो गया, 60 चिल्ड्रन है, 60 का फाइंड आउट करना है, तो टोटल ये हो गया 100%। अब हिंदी वाले हमें निकालने हैं, क्या निकालने हैं, बोथ लैंग्वेज वाले निकालो, या तो पहले बोथ लैंग्वेज, अरे लैंग्वेज की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, बोथ लैंग्वेज निकालने के लिए 100% में से माइनस कर देना है इंग्लिश और हिंदी वाले को, 30 और 20 कितना हो गया 50 को माइनस कर दीजिए, तो कितना परसेंट बचेगा, 50% बचेगा, 50% बोथ लैंग्वेज बोलते हैं। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना, हु कैन स्पीक हिंदी, जो स्पीक बोलते हैं हिंदी, आइए नंबर ऑफ स्टूडेंट या चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कभी आप सोचे ऊपर चिल्ड्रन लिखा नीचे स्टूडेंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक हिंदी। अब देखो भाई, 20% तो ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, 20% तो ये रहा, ठीक है ये हो गया, और 50% ये रहा भाई, इसमें प्लस कर देना है भाई, हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, तो हिंदी का भाई हमें फाइंड आउट करना, तो 50% ये और 20 ये, टोटल कितना हो गया 70%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 में से 70% हिंदी बोलते हैं, मीन 70% मीन 70/100, 0 से 0, 0 से 0, 7 6 42 बोलते हैं बच्चों यहां पर, ठीक है ये आंसर आ गया जो हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो पहले करना था, व्हाट परसेंट इज 75 मिनट ऑफ 2 आवर, अब ये मिनट में, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो, 2 आवर इक्वल 120 मिनट्स, ठीक है ये हो जाएगा, तो हमें परसेंट फाइंड आउट करना है, 75 मिनट यानी 2 आवर में से 75 मिनट कितने परसेंट होते हैं, तो 75 पूछा तो 75 लिखना ऊपर, 120 लिखना है नीचे, और इनटू कर देना है 100%, 10 से 10 कैंसिल हो गई, साथ ही आप इसको चाहो तो 2 से भी और कैंसिल कर सकते हैं या 3 से कर सकते हैं, यहाँ 25 पे हो जाएगा और ये 4 पे जाएगा, ठीक है और कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है 25 5 जा होता 125/2। अब हम क्या करेंगे, 125 को 2 से, ये आ गया बच्चों परसेंट में, या तो यहाँ तक कर दीजिए, या 125 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 6 जा 12, ठीक है यहाँ पर ये आ गया, 5 नीचे डाउन किया, 2 2 जा 4, ठीक है 1 बचा, आगे कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, ये आ गया, तो कितना आ गया 62.5%, दिस इज द आंसर, हो गया आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है,
इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में अगर स्टूडेंट को पास होना है तो 40% मार्क्स उसे लेने होंगे। ही गेट 65 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स। वो उसे लेता कितना, 65 ले लेता है, आते हैं उसके, और वो 15 नंबर से फेल हो जाता है। अगर उसके 15 और आए होते तो पास हो जाता, यानी 65 प्लस 15 किसके इक्वल होना चाहिए, 40% के। फाइंड द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना, लेट द मैक्सिमम नंबर इक्वल टू एक्स, लेट द मैक्सिमम मार्क्स लिख लेते हैं इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई 40% पासिंग मार्क्स, एक्स का 40% 40/100 ये इक्वल होना चाहिए 65 में से तो फेल हो गया। अगर उसके प्लस 15 और मिल जाते तो पास हो जाता, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों इक्वल हो गए। अब इनको ऐड करते तो कितना आता है, 80 आ जाता है। आइए करते हैं, एक्स इक्वल 80, 100 डिवाइड में राइट साइड में ले आओ मल्टीप्लाई में, 40 मल्टीप्लाई में राइट साइड में ले आओ डिवाइड में, 41 जा 40, 42 जा 80, 102 जा 200 आ गया, यानी मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 200 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखो सो व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्काउंट विच इज इक्वल 50% प्लस 20%। ठीक है, तो वैसे तो ये 70% हो गया, तो शॉपकीपर क्या है इसकी 70% एकदम डिस्काउंट नहीं दिया है, उसने पहले 50% दिया फिर 20% दिया। आप सोचेंगे तो 70% हो गया, लेकिन क्या ये वाकई में 70% निकलता है? ठीक है, कि जो अगर हम इकट्ठा 70% देते क्या ये, और अगर ये हम अलग अलग दे डिस्काउंट 50 पहले फिर 20, क्या वो दोनों इक्वल होते हैं? जी इक्वल नहीं होते हैं। इस तरीके से अलग अलग जब डिस्काउंट दिया जाता है तो शॉपकीपर को फायदा होता है, और अगर वो इकट्ठा दे दे 70% का तो उसे लॉस होगा। कैसे होगा, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइस फाइंड आउट करें, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं, 100 रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है बच्चों, 50% है। तो 50% बाय 50/100 और इनटू को ये प्राइस, 100 से 100 माइनस हो गया, यानी 50 रुपीज का आ गया। 50 रुपीज का डिस्काउंट आ गया, तो वो उसकी जो प्राइस रह गई वो कितनी रह गई, 50 रुपीज रह गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल 100 में से माइनस 50 करेंगे तो 50 रह जाएगा। अब इस 50 रुपीज में फिर उसने 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो आइए सेकंड डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट कितना है, 20%। तो 50 का 20% वो निकाल लीजिए, 50 इंटू 20% मीन 20/100, 10 से 10, 10 से 10 यहाँ पर आ गया, 5 2 10 ये आ गया, 10 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल रहा है, पहला डिस्काउंट कितने का, 50 रुपीज का, सेकंड डिस्काउंट कितना है बच्चों, 10 रुपीज का है, सेकंड डिस्काउंट कितना है, 10 रुपीज का है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, भाई पहला डिस्काउंट आया आपका 50 रुपीज का, या 50 रुपीज, और सेकंड 10 रुपीज, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 60 रुपीज का हो गया। अब आप देख रहे हैं अगर वो इकट्ठा देता तो 70% निकलता वो, क्योंकि हम 100 से लेके चल रहे तो 70 रुपीज आता, लेकिन अब आया कितना, 60 रुपीज। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, डिस्काउंट इन परसेंट, तो डिस्काउंट लेना ऊपर और नीचे लेनी है प्राइस जो हमने ली थी, एज्यूम की थी, और इनटू कर देना 100%, तो 100 से 100 60%।
दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो रिजल्टेंट जो उसका डिस्काउंट था वो 60% आया। अगर वो इकट्ठा 60% दे या पहले 50 दे फिर 20 दे, तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्या कहता है देखो। पुष्पा बोट ए शर्ट फॉर रुपीज 250, ए फ्रॉक फॉर 350 एंड ए पेयर ऑफ जीन्स फॉर 650, सी पेड टू 1000 फॉर आल, हाउ मच डिस्काउंट डिड सी गेट, उसे कितना डिस्काउंट मिला। ये तो बहुत इजी है, तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर है कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, वो है बच्चों रुपीज 250। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फिर क्या फ्रॉक, ये है बच्चों रुपीज कितनी 350। ठीक है, फिर है कॉस्ट प्राइस ऑफ जींस, ये कितनी है बच्चों 650 रुपीज। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी कितना आ गया रुपीज 0 की 0 5 10 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, ये आ गया बच्चों। ठीक है, 1250 आ गया, 1250। मत उसने पेड कितना किया, बट सी पेड कितना किया 1000 किया डिस्काउंट, भाई पेड तो उसे करना था, ये किया कितना, ये तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हो गया उसका, माइनस कर दो 5 का 5 2 का 2, ये आ गया 250 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, दिस इज द आंसर। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में पर डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करो, तो डिस्काउंट परसेंट भी बड़ी इजी तरीके से कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट को लिखना है ऊपर और बाय में कर देना है कॉस्ट प्राइस जो कितनी है 1250 ऐसे, और इनटू कर देना 100% ऐसे, तो 10 से 10 कैंसिल हो गई, अब 125 और 125 2 जा 250, तो 10 2 जा 20 20% डिस्काउंट हो गया। ये मैंने अपनी तरफ से बताया, आपका आंसर तो ये है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर 125 की जगह इसकी जगह डिस्काउंट परसेंट पूछ ले तो आपको इस तरीके से निकालना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। गुंजा की पत्री का नाम से जो चैनल है उसको भी जरूर आपको देखना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।